प्लीज ट्राई टू कम एट द राइट टाइम. ठीक है. सो व्हाट आर डबल सॉल्ट? डबल सॉल्ट और ऑल्सो एडिशनल कंपाउंड बेटे एज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर देयर. बट डिफरेंस इज दिस, दे आर नॉट स्टेबल इन द एक्वस मीडियम. दे विल डिसोशिएट टू गिव यू आयन इन द एक्वस मीडियम. लाइक आई हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ मोर सॉल्ट एंड वी हैव रिएक्टेड इट विद KMnO4 in acidic medium where it has gone oxidation. Okay, so this is a double salt. And what is a coordination compound which will have their identity as such when dissolved in water? So what are the different term related to the coordination compound? Let us see. Okay, let me take an example first for you. One example we have already taken and one more example I will take for you. ठीक है. Now सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स आयन की. अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन या कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी क्या है बेटे? ये चीज है वो. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है. दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आयन. कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? वो एक स्फीयर, वो एक चीज जिसमें आपका सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स दोनों, ठीक है, ये होते हैं बेटे लिगेंड्स. दीज आर लिगेंड्स एंड दिस इज सेंट्रल मेटल आयन. ठीक है. सो इट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीशीज. इसको हम इलेक्ट्रिकल चार्ज स्पीशीज बोलेंगे. Which have central metal atom surrounded by number of ions या कोई neutral. जैसे ये ions हैं, अभी मैंने लिया previous example में neutral लिया था ammonia. Okay, so ये complex जो है it can be positive, it can be negative also. When this is positive it is called cationic complex and when it is negative it is known as anionic complex. ठीक है. इट इज नोन एज एनायनिक. तो ये हो गया बेटे. अब इसको ध्यान से देखो, ये पोटेशियम है पॉजिटिव, ये चार पोटेशियम लगे हुए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नेगेटिव होगा. इट मींस ये फोर नेगेटिव. अगर इसको मैं अलग कर दूं तो ये क्या बन जाएंगे? केटाइन्स. और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये क्या बन जाएगा? एनायन. तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स को मैं बोलूंगी anionic. This is anionic complex ion. ठीक है. This is anionic. Cationic कब बोलेंगे? Cationic जैसे I have taken the example Pt3 positive is cationic. और अगर इसको मैंने stable करना हो तो वही I'll add some negative thing here. Like एक सल्फेट ऐड कर दो या दो क्लोरीन ऐड कर दो, दैट विल बिकम अ स्टेबल वन. ठीक है. तो ये दो टाइप के होते हैं बेटे कॉम्प्लेक्स आयन, एनायनिक एंड केटाइन. सो टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन आर देयर. वन इज एनायनिक एंड वन इज केटाइनिक. ओके. सो दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज ऑफ एनायनिक एज इट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज एंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज ऑफ केटाइनिक because it is having a positive charge. Now this is in both the complexes. Second is bete, what is a central atom or an ion? Central atom or ion. This is a central atom or an ion. ठीक है. एटम और आयन जो ये सेंटर में प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज सेंट्रल एटम और आयन. और ये सेंट्रल एटम आयन जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही होते हैं और कभी कभार इनर ट्रांजिशन भी हो सकते हैं. लाइक आई हैव टेकन आयरन, आई हैव टेकन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिनम इन फ्रंट ऑफ यू. इट इज ऑफ डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ओनली. नाउ मैंने क्या बोला, ये एटम या आयन कुछ भी हो सकता है.
एटम कब होगा? जब इनके साथ कार्बोनाइल जैसे लिगेंड्स अटैच होंगे, ठीक है। कार्बोनाइल में ये अपना ऑक्सीडेशन जो नंबर है वो जीरो शो करता है। जब मैं आयन की बात करती हूँ तो इट मींस इट हैज लॉस्ट इट्स इलेक्ट्रॉन और वो आयन बन चुका है। तो ये चीज क्या होती है बेटे, इट इज सेंट्रल एटम और आयन विच टू विच द अदर ग्रुप आर अटैच फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है। एंड दिस सेंट्रल एटम और आयन बिलोंग्स टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, नाउ कम बेटे लिगेंड्स। नाउ दिस इज अ लिगेंड, दिस इज अ लिगेंड। लिगेंड वो है जो इन सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। लिगेंड्स क्या है? जो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट्स करते हैं, कैसे? फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा रिसीव करता है, ठीक है। ओनली वन ग्रुप डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड अदर विल रिसीव इट, ठीक है। सो दिस इज अ लिगेंड विच इज डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। इसमें क्या है, लिगेंड का नाम क्या है? सायनाइड, ठीक है बेटे जी। अब लिगेंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लिगेंड्स कैन बी यूनिडेंटेंट, बाईडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट, फोर टाइप्स के हो सकते हैं। तो लेट मी टॉक अबाउट यूनिडेंटेंट फर्स्ट। यूनिडेंटेंट का मतलब है कि वो एट ए टाइम एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जैसे कि ये भी यूनिडेंटेंट है जो मैंने लिखा हुआ है। मीन्स एट ए टाइम वो एक ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज यूनिडेंटेंट। यूनि मीन्स वन, वन क्या? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। When I am talking one coordinate bond means it can donate one pair of electrons. ठीक है, it can donate बेटे one pair of electron only. Okay, for example water, which is known as aqua, ठीक है, it can donate, it can form one coordinate bond at a time. Yet it is having two lone pair, but it is forming one coordinate bond, like ammonia, like cyanide. So many unidentate ligands are there. ठीक है? So unidentate ligand which have only one donor site and thus they can form only one coordinate bond and donate only one pair of electron. As they are having only one donor side, like O, like N, like CN, okay. This is also an ambidentate. We'll take over ambidentate afterwards. But at a time, it can donate one pair only. Okay. Now come the next type of ligand is didentate. Didentate, like this is a didentate ligand, oxalate is a didentate ligand, as it can donate, it has two donor site and thus it is capable of forming beta two coordinate bond at one time. So it can donate from this oxygen and this oxygen, ठीक है। तो एट ए टाइम, क्योंकि ये टू बॉन्ड्स बना सकता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डाइडेंटेट लिगेंड, दैट इज ऑक्सलेट। ठीक है, दैट इज अ ऑक्सलेट आयन। ओके, इन द सेम वे वन इज इथाइलीन डाइमीन, दिस इज इथाइलीन एंड दिस इज डाइअमीन। तो इसके पास भी यहाँ लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, तो मीन्स इससे भी डोनेट कर सकता है, ये इससे भी डोनेट कर सकता है, ठीक है। तो दिस इज इथाइलीन डायमीन, दैट इज नोन एज एन, इन इन से एब्रिविएट करते हो, इसको ओ एक्स ऑक्स से एब्रिविएट किया जाता है, ठीक है।
So this is didentate ligand, as it can donate the electron from two donor site and is capable of forming two coordination bond at one time. Okay. ठीक है बेटे जी. अब नेक्स्ट आ गया बेटे पॉलीडेंटेट लिगेंड. ठीक है, पॉलीडेंटेट लिगेंड का जब नेम आता है ना तो EDTA सामने आता है, इथाइलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट. इसके अलावा बेटे लिगेंड कैन बी न्यूट्रल, लिगेंड कैन समटाइम बी पॉजिटिवली चार्ज, लिगेंड इज नेगेटिवली चार्ज बट ऑब्वियस, बट समटाइम दे आर पॉजिटिवली चार्ज आल्सो, विल सी टू इट आफ्टरवर्ड. सो नाउ दैट इज पॉलीडेंटेट. ठीक है, जब पॉली की बात हो जाए तो दे हैव सेवरल डोनर साइट, मीन्स एट अ टाइम दे कैन फॉर्म नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स. ठीक है, दे फॉर्म नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बेटे. For example, ethylene. This is ethylene again, बेटे. ठीक है, this is ethylene. This is diamine. This is diamine. Diamine का हमने दोनों हाइड्रोजन रिमूव कर दी. So that is acetate. What is acetate? This is acetic acid. This is acetic acid. So when I am saying tetraacetate, इसका मतलब acetic acid लेके आ रहे हम. तो इट विल बी सी एच टू, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी नहीं तो खराब हो जाएगी. दिस इज टेट्रा एसीटेट, दिस इज टेट्रा एसीटेट बेटे, दैट इज इथाइलीन डाइअमीन टेट्रा acetate. Okay, this ligand is polydentate. Polydentate mein kis type ka ligand hai? Ye hexadentate. At a time it can form six bonds. Theek hai, kaise? 1 2 3 4 5 6. Theek hai, it can form six bonds. This type of ligand is known as bete polydentate ligand. ठीक है, ओके. दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज पॉलीडेंटेट लिगेंड. अच्छा, इसके बाद एम्बिडेंट करना था. मैं एम्बिडेंट से पहले इसी लिगेंड के एग्जांपल देके आई टेल यू व्हाट इज चिलेशन. ठीक है, टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस लिगेंड ओनली. नाउ व्हाट इज चिलेशन? या चिलेट इफेक्ट होता क्या है? जब ऐसे लिगेंड्स होते हैं बेटे जो पॉलीडेंटेट बहुत सारी डेंटिसिटी शो कर सकते हैं, तो वो क्या होते हैं? जब वो सेंट्रल लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो एक रिंग ही बना सकते हैं उनके अराउंड. दे कैन फॉर्म अ रिंग. ठीक है, जैसे अगर एक लिगेंड ने आयरन को सिक्स सायानाइड चाहिए, सिक्स सायानाइड ऐसे लगे मान लो, विच वी हैव डन, तो ये एक यूनिडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है. ठीक है, यूनिडेंटेट लिगेंड लगा हुआ है, इसके अराउंड सिक्स लगे हुए हैं. अब ये सिक्स ना लगा के हम एक ये ही लिगेंड लगा दें तो ये लिगेंड, क्योंकि एक ही लगा हुआ है, ये एक रिंग बना लेगा, एक साइकिलाइजेशन कॉज कर देगा. ठीक है, ये जो साइकिलाइजेशन होती है तो स्टेबिलिटी कंपाउंड की बढ़ जाती है, जिसे हम कहते हैं चिलेट इफेक्ट होना. ठीक है, सो द स्टेबिलाइजेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ दिस टाइप ऑफ लिगेंड, दैट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड. व्हाई द स्टेबिलिटी इज देयर? इट कैन फॉर्म अ रिंग अराउंड देम. ठीक है, एट ए टाइम मान लो ये आयरन है तो आयरन के साथ ये भी ये लगेगा, ये भी देगा, ये भी देगा, ऐसे ये घूम के ये भी देगा,
और ये भी देगा, तो एज एक रिंग सी बन जाएगी। तो एक ही लिगेंड काफी होगा, यहाँ हमने सिक्स लगाए हैं, यहाँ हमने एक ही लिगेंड लगा दिया, तो एक लिगेंड है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेगा उसके अराउंड। जब वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। और जितनी चिलेटिंग ऐसी रिंग्स बढ़ती जाएंगी कंपाउंड में, उतनी उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, दैट इज नोन एज चिलेट इफेक्ट। हाँ जी, एनी डाउट, आर यू देयर? सो अगेन, वेयर आर योर थम्स अप स्टूडेंट हु आर अवेक? यस बेटे, आर यू देयर? ओके, वन थम्स अप इज देयर, थ्री, फोर, चलो फाइव, सिक्स, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बेटे एम्बिडेंडेंट लिगेंड। ये जो मैंने साइनाइड बनाया हुआ है ये एम्बिडेंडेंट ही है, ठीक है। एम्बिडेंडेंट क्या है? जिसकी दो डोनर साइड होती है, मगर एट ए टाइम वो एक ही डोनर साइड से डोनेट कर सकता है, एट ए टाइम वो दोनों डोनर साइड से डोनेट नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि हमने इन आई थिंक इन हेलो एल्केन्स आल्सो यू हैव डन साइनाइड एंड नाइट्रो ग्रुप इन द सेम वे, हियर इट इज नोन एज लिगेंड्स, ठीक है। सो व्हेन मोनो एम्बिडेंडेंट क्या है, जब मोनोडेंडेंट लिगेंड एट ए टाइम तो नहीं कर सकते, बट दे हैव डिफरेंट साइड्स, ठीक है। राइट डाउन एम्बिडेंडेंट लिगेंड, जैसे कि साइनाइड है ना, साइनाइड नाइट्रोजन से भी लिंक कर सकता है, साइनाइड जो है वो कार्बन से भी लिंक कर सकता है, दैट इज आइसोसाइनाइड बन जाएगा। वैसे ही एनओ है ना, एनओ टू हमने किया हुआ है नाइट्रो, एनओ टू भी किया हुआ है, तो एनओ टू नाइट्रोजन से भी लिंक कर सकता है, ऑक्सीजन से भी, मगर एट ए टाइम एक ही करेगा, ठीक है। इन द सेम वे थायोसाइनाइड भी होता है, वो एट ए टाइम किससे है, सल्फर से या साइनाइड, डिपेंडिंग कि उस टाइम वो किससे कर रहा है। जैसे कि नाइट्रो जब एन से करेगा तो नाइट्रो हो जाएगा, जब ऑक्सीजन से करेगा तो नाइट्राइट हो जाएगा, तो डिपेंडिंग कि एट ए टाइम वो किस एटम से कर रहा है, बट उसके पास टू डिफरेंट साइड्स होती है लिगेट करने के लिए, मगर नॉट लाइक डाइडेंडर लिगेंट कि दोनों डिफरेंट साइड्स जो है एक ही टाइम पे, इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन, सो इट विल यूज वन ऑफ द साइड टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंडेंट लिगेंट, ओके, एम्बिडेंडेंट लिगेंट। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? अगर हम मोनोडेंडेंट की बात करें बेटे, इट इज नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, मगर कोऑर्डिनेशन नंबर वो नंबर है कि एट ए टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं अराउंड मेटल एटम के, ठीक है। हाउ मेनी कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लिगेंड्स। अब डिपेंडिंग, अगर मोनोडेंडेंट लिगेंड है तो जितने मोनोडेंडेंट लगे होंगे उतना उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। लाइक वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ प्लेटिनम के साथ अगर सिक्स CN लगे हैं तो इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स। सिक्स क्लोरीन लगे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, सिक्स। सिक्स अमोनिया लगे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है, ठीक है। अगर वही बाइडेंटेन अगर फोर लगे हैं, बाई इसका मतलब एट, दैट इज मोर है ना, तो ऑक्टाइडल से भी क्रॉस हो गया। अगर बाइडेंटेन थ्री लगे हैं इट मीन सिक्स, जैसे कि अगर EDD अकेला ही लगा है तो EDD अकेला ही बेटे सिक्स बॉन्ड्स बना लेगा, क्योंकि ये हेक्साडेंटेन है, तो तभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, सिक्स। इसका मतलब वो एट ए टाइम कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। अगर यूनिडेंटेन होगा तो जितने हैं, बाइडेंटेन होगा तो डबल कर दो, ट्राइडेंटेन होगा तो ट्रिपल कर दो, एंड सो ऑन, ओके। नाउ नेक्स्ट इज बेटे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो ये जो मैंने लिखा है दैट इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर की सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और लिगेंड्स जो ये अटैच होते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में डाला जाता है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और अगर
इसके हमने वैलेंसी बैलेंस करनी है. फॉर एग्जांपल अगर प्लैटिनम टू पॉजिटिव में एंड आई हैव टू बैलेंस द वैलेंसी, तो मुझे यहाँ पे काउंटर आयन देने पड़ेंगे. आई राइट हियर काउंटर आयन. व्हेन वी विल डू द नोमेनक्लेचर फिर आपको और पॉइंट समझ आएंगे कैसे काउंटर आयन. ठीक है, तब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे. तो इसकी मान लो टू पॉजिटिव है, ये 6 साइनाइड है, 6 नेगेटिव है, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 4 नेगेटिव. 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने 4 पोटेशियम लगाए. तो जरूरी नहीं है कि हम 4 पोटेशियम लगाएं, हम 2 मैग्नीशियम भी लगा सकते हैं. ठीक है, तो जो अगर उसी हिसाब से हम अपने आप चेंज कर लेंगे. ठीक है, सो दिस इज अ कोऑर्डिनेशन स्फीयर इन विच देयर इज अ सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड एंड इट इज enclosed in a square bracket. Okay, and to balance the valencies, okay, the oxidation state, there is a counter ion attached to it. Counter ion can on both the side depending upon the type of the complex. If the complex is anionic, then counter ion is cationic, and if the complex is cationic, then the counter ion will be anionic, obviously. Okay, we have done the complex type. It can be anionic or it can be cationic, both the ways. If the your complex is bete cationic, then to aap anion sulfate chloride aisa kuch laga dete hain, that is a counter ion. Theek hai, that is, this is a coordination sphere, this is a counter ion, there are ligands, there are central metal atom. Now next is coordination polyhedron. ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर हो गया. अब नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन. अच्छा, अब ये जो लिगेंड्स हैं, ये लिगेंड्स ऐसे तो लगे नहीं हुए हैं कि ऐसे हवा में जैसे मर्जी लगे हैं, इनकी कुछ स्पेशल अरेंजमेंट है. ठीक है, ये टेट्राहाइड्रली अरेंज है या ऑक्टाहाइड्रली अरेंज है, तो जो इनकी अरेंजमेंट है उसे ही पॉलीहाइड्रॉन कहा जाता है. ठीक है, जैसे मैंने अभी आयरन के अराउंड अगर मैं 6 क्लोरीन अब लगा दूं, साइनाइड तो मैंने पहले लगा दी है, लेट मी अटैच 6 क्लोरीन, तो ये कैसे अरेंज है, ये ऑक्टाहाइड्रल अरेंज, तो ये पॉलीहाइड्रॉन है, दैट इज अ पॉलीहाइड्रॉन या कोऑर्डिनेशन पॉलीहाइड्रॉन. की कैसे जो लिगेंड्स है वो अराउंड सेंट्रल एटम के अरेंज है. ठीक है, got the point? So time is running up. Now come bete oxidation number. Theek hai, now come oxidation number. Okay, so again I am taking the example of same complex for you. To find oxidation number is very much important. You have this complex. And you have to find the oxidation number of this complex while naming. You have to find the number. ठीक है, अब बेटे पोटेशियम है, हमें पता है इसकी वैलेंसी क्या है, 4. तो हाउ मेनी पोटेशियम आर अटैच, दे आर अटैच 4 पोटेशियम. यू हैव टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन. यू नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ साइनाइड. ईच साइनाइड कैरी नेगेटिव चार्ज. So one cyanide is having 1 negative and 6 will be having 6 negative. So what will be the oxidation number of iron? It will be positive 2. Okay, it will be positive 2. इसका मतलब इसकी जो oxidation number है या आप valency की जो बात करते हो, तो what is oxidation number? चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयन से हमने क्या निकाला, सेंट्रल मेटल आयन का जो चार्ज निकाला है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. क्यों है, उसके हिसाब से आप काउंटर आयन्स लगाओगे, आपको ये भी पता चलेगा कि आपका एनायनिक कॉम्प्लेक्स है या कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटे, जो चार्ज है सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर अपीयर करता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर. आई थिंक टुडे हमारी टर्मिनोलॉजी ही खत्म होगी एंड टुमारो विल स्टार्ट विद द नॉमेनक्लेचर एंड यू विल बी मोर क्लियर अबाउट द
दिस कंसेप्ट ऑक्सीडेशन नंबर. ठीक है, अब देयर आर टू टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द लिगेंड्स अटैच विथ इट. ठीक है, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. होमो का मतलब होता है सेम. ठीक है, होमो का मतलब होता है सेम. जब सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स अटैच होते हैं बेटे सेंट्रल मेटल एटम के साथ, दैट इज नोन एज होमोलेप्टिक. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज होमोलेप्टिक टाइप. इन दिस कॉम्प्लेक्स द मेटल एटम और आयन इज लिंक विद द सेम काइंड ऑफ द डोनर एटम, दैट इज साइनाइड. ओके, सो वट इज नाउ हिट्रोलेप्टिक. इफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द लिगेंड्स आर अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम देन इट इज कॉल्ड विट ए होमोलेप्टिक हिट्रोलेप्टिक. ओके, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ओके, हिट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मीन्स सेम. दिस यू आर नोइंग फ्रॉम द जूनियर क्लासेज इट सेल्फ. सो वट आर होमोलेप्टिक विच इज हैविंग द सेम नंबर of the atoms, same number, I am saying same type. And what is homo or heteroleptic? The number of the, yeah, there are different type of the ligands attached to the central metal. Any doubt till here, bete? Then we are starting with the nomenclature. Any doubt? You can ask. Yes.